जीतती है। और मैं ड्रीम इलेवन प्रिडिक्शन की बात करें, आज मैच खेला जाना है श्रीलंका, आज मैच खेला जाना है श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच पहला ओडीआई मैच भाई खेला जाएगा श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच। आज भाई आज जीता के रहेंगे, आज ग्रैंड लीग खेलना है भाई, आज अच्छी मैच है लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आज भाई श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच पहला ओडीआई मैच है और ये मैच भाई ये जिम्बाब्वे टूर कर रही है श्रीलंका की, जिम्बाब्वे टूर कर रही है श्रीलंका की और आज ये मैच खेला जाएगा 2:30 बजे भारतीय समय अनुसार, 2:30 बजे खेला जाएगा 6 जनवरी 2024 को। और ये मैच खेला जाना है भाई आर प्रेमादासा स्टेडियम कोलंबो में, ये मैच कोलंबो में खेला जाएगा। अगर बात करें रिसेंट मैच, इस वेन्यू पे रिसेंट मैच की बात करें तो श्रीलंका और इंडिया के बीच इस लास्ट मैच हुआ था भाई, आपको पता ही होगा एशिया कप का फाइनल, मोहम्मद सिराज का खतरनाक गेंदबाजी हुई थी, श्रीलंका ने 50 रन बनाए थे, ऑल आउट हो गई थी मात्र 15.2 ओवर में, जबकि यहाँ पे इंडिया ने 51 रन मात्र 6.1 ओवर में मैच जीता दिया था बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। भाई जितने लोग भी देख रहे हो, जिसको भी भाई टीम चाहिए लाइक और शेयर कर देना, सभी लोग जितने लोग भी देख रहे हो भाई लाइक कर देना, आज ड्रीम इलेवन की बहुत ही अच्छी टीम देने वाले हैं भाई, फटाफट से मेरे टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना भाई, बहुत ही ज़बरदस्त टीम देंगे आज। और आज पूरा वीडियो देख के जाना भाई, पूरा वीडियो देख के जाना, आज बता देंगे आज कौन सी, अगर आप टीम चॉइस करते हैं किस प्लेयर को लेते हैं तो आज आप बहुत सारे पैसे जीत सकते हैं भाई। और दूसरा मैच की बात करें रिसेंट वेन्यू पे भाई, पहला मैच तो एशिया कप फाइनल था जिसमें पेसर ने 10 विकेट लिए थे और स्पिनर को ऑब्वियस है कोई विकेट, और श्रीलंका ने कोई विकेट नहीं लिया था तो ऑब्वियस है किसी को कोई विकेट नहीं मिला था। इसके बाद भाई बांग्लादेश और इंडिया के बीच मैच हुआ था इस वेन्यू पे, जिसमें बांग्लादेश ने 265 पे 8 विकेट पे बनाए थे और भारत ये चेस नहीं कर पाई थी, 259 ऑल आउट हो गई थी भारत यहाँ पे, बहुत ही अनफॉर्चुनेट मैच था जिसमें पेसर ने 6 और पहली पारी में 6 विकेट दूसरी पारी में 5 विकेट लिए थे, और यहाँ पे स्पिनर ने पहली पारी में 2 और दूसरी पारी में 4 विकेट लिए थे, मतलब इसमें पेसर का बहुत ही ज़बरदस्त, और इसमें भी पेसर का बहुत ही ज़बरदस्त हुआ था भाई। इसके बाद तीसरा मैच देखते हैं, इस वेन्यू पे पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच हुआ था, पाकिस्तान ने 252 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पे, इसके बाद श्रीलंका 252 रन 8 विकेट, यानी श्रीलंका ये मैच चेस कर गई थी भाई, बहुत ही ज़बरदस्त मैच था आपको पता ही है, इसमें पेसर ने 5 विकेट और 2 विकेट लिए थे भाई, पेसर 5 और 2 विकेट लिए थे, बहुत ही ज़बरदस्त था, पेसर ने 5 और 2 विकेट लिए थे और दूसरी और स्पिनर ने 2 और 4 विकेट लिए थे, यहाँ पे स्पिनर का बोलबाला और पेसर दोनों चलते हैं भाई, इस पे पेसर आप और स्पिनर दोनों को लेना पड़ेगा भाई, दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का काम करते हैं भाई। जितने लोग भी देख रहे हो यार फटाफट से लाइक कर देना भाई, 16 लोग देख रहे हो भाई, मेरे को 16 लाइक चाहिए चाहिए भाई। और इस वेन्यू पे अगला मैच इंडिया और श्रीलंका के बीच हुआ था, पहले इंडिया ने खेला था 213 रन बनाए थे, बहुत ही कम स्कोर था, और इसके बाद श्रीलंका मात्र 172 पे, इस पे भाई स्पिनर का जबरदस्त कमाल था, इस पेसर तो पहली पारी में 0 और 4 विकेट लिए थे जबकि स्पिनर ने पहली पारी में 10 विकेट लिए और पूरा का पूरा 10 विकेट और 6 विकेट दूसरी पारी में, यानी कि यहाँ स्पिनर भी बहुत ही ज़बरदस्त कमाल करते हैं भाई, स्पिनर का भी बहुत ही ज़बरदस्त रोल होता है भाई। भाई 20 लोग देख रहे हो, जितने लोग भी देख रहे हो सभी लोग फटाफट से लाइक शेयर कर देना भाई, बहुत ही ज़बरदस्त कमाल। और यहाँ पे अगला मैच, अगर श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच लास्ट 5 रिजल्ट देखे तो भाई श्रीलंका लॉस 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 और विन, भाई 4 लॉस है यहाँ पे श्रीलंका और 1 ही विन है पिछले 5 मैचों में भाई। अगर जिम्बाब्वे की बात करें तो लॉस लॉस नो रिजल्ट लॉस लॉस, सारे के सारे लॉस हैं और बीच में 1 नो रिजल्ट है भाई। तो यहाँ पे बांग्लादेश की भी फॉर्म सॉरी जिम्बाब्वे की भी फॉर्म अच्छी नहीं है और यहाँ पे श्रीलंका की भी फॉर्म अच्छी है नहीं है, हालांकि जिम्बाब्वे के सामने श्रीलंका तो भाई बहुत ही ज़्यादा ऊपर है।
अब प्लेयर को देख लेते हैं भाई, आज कौन से इस वेन्यू पे किस किस प्लेयर का रिकॉर्ड अच्छा है, इस वेन्यू पे किस प्लेयर का रिकॉर्ड अच्छा है। कुशल मेंडिस इस वेन्यू पे भाई, कुशल मेंडिस सबसे की प्लेयर है भाई, आपको कुशल मेंडिस लेना ही है। विकेट कीपर में की प्लेयर रहेगा भाई कुशल मेंडिस, जानते हो कुशल मेंडिस ने 15 मैच में 669 रन बनाए हैं, 51 की एवरेज है भाई। इस प्रेमदासा स्टेडियम में सबसे अच्छा प्लेयर कुशल मेंडल भाई, आज कुशल मेंडल्स को लेना ही पड़ेगा, चाहे ग्रैंड लीग हो चाहे आप हेड टू हेड खेल रहे हैं। भाई जितने लोग भी देख रहे हो यार, 37 लोग देख रहे हो, सभी लोग फटाफट से लाइक शेयर कर देना भाई। कुशल मेंडिस 15 मैचों में 669 रन, 51 की औसत से रन बनाए हैं। इसके बाद आते हैं असलंका, 13 मैचों में 541 रन 49 की औसत। ये दो खिलाड़ी भाई बल्लेबाजी में इस वेन्यू पे बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किए हैं, जबरदस्त प्रदर्शन किए हैं कुशल मेंडिस और असलंका। अब आगे जाए, निशंका हैं 7 मैच में 229 रन, 32 की एवरेज है इनकी। और इसके बाद आते हैं सनाका, 16 मैच में 213 रन, 13 की एवरेज आएगी। इसके बाद धनुष वसलंका, 7 मैच में 12 विकेट। और ये देखिए भाई, गेंदबाजी में वेला लागे की बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन है, एशिया कप में वेला लागे ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था। और तिछराना 7 मैच में 12 विकेट, 4.3 की इकोनॉमी। भाई इसमें अगर बात करें तो इस वेन्यू पे जो सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है वो किशल मेंडिस का रहा है, और वेला लागे भी बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किए हैं इस। और अब स्टेट्स का जो सबसे ज़्यादा इस पर मैटर करेगा भाई, समीरा विक्रमा 10 मैच में 373 रन, 46 की एवरेज। निशंका 10 मैच में 334 रन, 37 की एवरेज। सिकंदर राजा 10 मैच में 379 रन, 47 की एवरेज, 9 विकेट, 4.7 की इकोनॉमी। गॉम्बी जो कि जिम्बाब्वे के प्लेयर हैं, 10 मैच में 295 रन, 29 की एवरेज। दिशान मसूसंका 10 मैच में 21 विकेट, 6.7 की इकोनॉमी। महिषा तिरछाना 8 मैच 6 विकेट, 5.3 की इकोनॉमी। रिचर्ड नेगरवा जो कि जिम्बाब्वे के हैं भाई ये, 8 मैच में 15 विकेट, 4.8 की इकोनॉमी। ये प्लेयर्स की प्लेयर हैं भाई आपके, जो सबसे ज़्यादा स्टेट्स मैटर करेंगे इस पे, वो यही प्लेयर है भाई। भाई जितने लोग भी देख रहे हो यार, कोई लाइक शेयर क्यों नहीं कर रहा है भाई, सभी लोग फटाफट से लाइक कर देना भाई जितने लोग देख रहे हैं। अगर आपको आज टीम में जीतना है भाई, अगले पे आते हैं भाई, जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका प्लेयर बैटल आते हैं भाई, जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका प्लेयर बैटल पे आ जाते हैं। तो जो प्लेयर बैटल पे आके बताते हैं, जेफरी विनेस्के डिसमिसल बाय ब्लेसिंग मुकंजाम्बी 1 विकेट भाई, एक बार आउट किया है जेफरी विनेस्के को। इसके बाद आते हैं दूसरे पे भाई, सिकंदर रजा को पथुमा निशंका ने एक बार आउट किया है, और मुजाम्बामी एक बार आउट किया है निशंका ने, इन दोनों खिलाड़ियों को एक एक बार आउट किया है। उसके बाद कुशल मेंडिस डिसमिसल भाई मुकंजाम्बी एक बार आउट किया है, मासाजाका 12 रन पे आउट किया है। असलंका को नगरावा एक बार आउट किया है भाई, जितने लोग भी देख रहे हो भाई फटाफट से लाइक भाई, स्पेलिंग की मिस्टेक हो भाई, जिम्बाब्वे को बहुत खतरनाक नाम होते हैं, इसीलिए मिस्टेक हो सकती है भाई, लेकिन आप प्लेयर बनाने पर ध्यान दो। इसके बाद सनाका को नेग्रेवा ने एक बार विकेट लिया है, 19 रन पे आउट किया था। ये तो चलो भाई, ये प्लेयर बैटल तो सही है भाई, अब आगे आते हैं भाई, जितने लोग देख रहे हो सभी लोग फटाफट से लाइक शेयर कर देना भाई, कोई लोग यार चैट नहीं कर रहे हो। हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं भाई, यहाँ पे जिम्बाब्वे वर्सेस हेड टू हेड रिकॉर्ड आते हैं, श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे पे हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर देखते हैं क्या हो गया भाई।
हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर करते हैं भाई तो जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच जो लास्ट मैच हुआ था, जिम्बाब्वे ने 165 रन बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पे। इसके बाद श्रीलंका 169 रन बना के भाई चेस कर लिया था। बहुत ही अच्छा मैच था, श्रीलंका ने आसानी से चेस कर लिया था। उसमें सिकंदर रजा ने 31 रन बनाए थे, रेयान बुरी ने 16 रन बनाए थे, एयरवाइन ने 14 रन बनाए थे, जॉन वे 10 रन बनाए थे। इसके बाद श्रीलंका की तरफ से भाई निशंका ने जबरदस्त शतक लगाया था 101, नाबाद की कुशल मेंडिस ने 25, तिस्चराना ने 4 विकेट लिए थे, सनाका ने 1 विकेट लिया था, मधुशंका ने 3 विकेट लिया था। भाई जितने लोग देख रहे हो फटाफट से लाइक शेयर कर देना भाई, जितने लोग भी देख रहे हो सभी लोग फटाफट से लाइक शेयर कर देना भाई। इसके बाद दूसरा मैच हुआ था लास्ट दूसरा मैच, श्रीलंका ने 254 रन बनाए थे 9 विकेट से, और जिम्बाब्वे ने 70 रन पे ऑल आउट हो गई थी। इसमें भी निशंका 55 रन बनाए थे, कुशल मेंडिस ने 26 रन बनाए थे, असलंका 52 रन बनाए थे, चमीरा ने 2 विकेट लिया था और तिसराना ने 1 विकेट लिया था। इसके बाद आते हैं रेयान बुरी 15 रन बनाए थे, 2 विकेट लिया था मोजाम्बी ने, मासाकाटा ने 1 विकेट लिया था, निग्रवा ने 2 विकेट लिया था। इसके बाद जो मैच हुआ था, जिम्बाब्वे ने 302 रन बनाए थे और श्रीलंका 280 रन। ये मैच जिम्बाब्वे जीत गई थी भाई, बहुत ही ज़बरदस्त मैच था, वर्ल्ड कप क्वालिफाई का मैच था। एरविन 91 रन, जबरदस्त पारी। ये भाई ये की प्लेयर हो सकता है भाई एरविन, अगर जिम्बाब्वे की बात करें तो। अब रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं भाई, श्रीलंका जिम्बाब्वे प्रोबेबल 11 विथ रिसेंट फॉर्म। आज जो जो खिलाड़ी भाई खेल सकते हैं श्रीलंका और जिम्बाब्वे में उनकी बात करते हैं। श्रीलंका का प्लेइंग 11 देखते हैं भाई, फर्नांडो राइट हैंड बैट्समैन, रिसेंट फॉर्म देखते हैं, 2 रन 4 रन 19 रन 50 रन, कुछ खास नहीं है, एवरेज है फॉर्म भाई, एवरेज फॉर्म है। इसके बाद फर्नांडो देखते हैं राइट हैंड बैट्समैन, इसका रिसेंट फॉर्म में 1 रन 20 रन 5 रन 8 रन 118 रन, ये भी एवरेज फॉर्म में है भाई, इनको भी आप ले सकते हो भाई। अब बता देते हैं इसके रिक्सी प्लेयर में ले सकते हो, इन दोनों खिलाड़ियों को आप ग्रैंड लीग में रिक्सी प्लेयर में ले सकते हो भाई, ग्रैंड लीग में रिक्सी प्लेयर में ले सकते हैं इन दोनों खिलाड़ी को। इसके बाद आते हैं कुशल मेंडिस, कैप्टन एंड विकेट कीपर भाई, 6-19 रन 1 विकेट सॉरी 1 रन 39 भाई, मस्ट चॉइस है भाई, आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो चाहे हेड टू हेड भाई, आपको कुशल मेंडिस को लेना ही लेना है भाई, आज किसी भी तरीके से आज कुशल मेंडिस को लेना ही लेना है। इसके बाद आते हैं समीर विक्रमा राइट हैंड बैट्समैन, 1 रन 41 रन 0 रन 36 रन, एवरेज फॉर्म चल रही है भाई, अभी आप देख लेना एवरेज फॉर्म चल रही है, उस हिसाब से अपना प्लेयर पिक कर लेना भाई। इसके बाद आते हैं अगले प्लेयर अश्रंका राइट हैंड बैट्समैन, इनका रिसेंट फॉर्म देखते हैं, 8 रन 108 रन शतक बनाए, 1 रन 22 रन बैटिंग नहीं आई, इनकी भी फॉर्म भाई अच्छी फॉर्म मान सकते हैं इनकी, अश्रंका की भाई अच्छी फॉर्म चल रही है अभी। अतुशांत सनाका राइट हैंड बैट्समैन, 12 रन 68 रन 0 2 9 24 3 विकेट 0 विकेट भाई, बहुत ही अच्छे हैं। सनाका को आपको अगर कैप्टन भी बना सकते हो भाई, कैप्टन बना सकते हो ग्रैंड लीग में, अच्छी चॉइस हो सकते हैं भाई। हसरंगा पे आते हैं राइट हैंड बैट्समैन लेफ्ट आर्म बॉलर, 29 रन 2 विकेट 0 विकेट, 20 रन 2 विकेट, 15 रन 2 विकेट और 5 विकेट लिए भाई हसरंगा ने पिछले 5 मैचों में। इसके बाद तीन छाना पे आते हैं 38 रन 1 विकेट 21 रन 2 विकेट 12 रन 0 विकेट 29 रन, जबरदस्त ऑलराउंडर हैं भाई। ऑलराउंडर पे आप देख सकते हो भाई, ऑलराउंडर में तिसाना को सेलेक्ट कर ले सकते हो। इसके बाद वेला लागे 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट भाई, कुछ विकेट फॉर्म नहीं है, वेला लागे को आप मत लेना भाई, वेला लागे को रिक्सी प्लेयर में जोड़ सकते हैं, इनको लेना थोड़ा रिक्स हो सकता है भाई। इसके बाद आते हैं चमीरा पे राइट और फास्ट बॉलर, 1 विकेट 0 1 0 4 विकेट भाई, एक में पिछले 5 मैचों में 1-4 विकेट आया है, बाकी कुछ खास नहीं हुआ है। इसके बाद मधुशंका पे
जीरो विकेट, तीन विकेट, पांच विकेट, दो विकेट। भाई मधु संका बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, इन प्रॉपर विकेट भी ले रहे हैं, चार विकेट तो तीन विकेट ले भी रहे हैं, तो इनको आप ले सकते हो भाई। भाई जितने लोग देख रहे हो फटाफट से लाइक कर देना भाई। इसके बाद जिम्बाब्वे पे आते हैं भाई। जिम्बाब्वे की प्लेइंग एलेवन और रिसेंट फॉर्म देखते हैं भाई। गोम्बी 72-5-28-0-0 जबरदस्त फॉर्म है भाई, पिछले तीन मैचों में अच्छा प्ले दिखाए हैं। इसके बाद हैं कुमावे 1-8-28-1 सही है भाई। सुम्भा 0-0-11-0 भाई बहुत ही बेकार फॉर्म चल रही है। एल्विन जो मेन प्लेयर होंगे भाई वो होंगे एरविन, इनको लेना ही है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है, जिम्बाब्वे की तरफ से एरविन को ही लेना है। इसके बाद सिकंदर रजा तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं भाई, आपको मस्ट पिक में है सिकंदर रजा को, आपको मस्ट पिक में लेना ही है। फॉर्म बता देते हैं भाई, 37 रन 2 रन 0 विकेट, 15 रन 34 रन 31 रन 0 विकेट। इसके बाद रियान बुरे 38 रन 0 विकेट 83 रन 16 रन 0 विकेट 13 रन। मदान के 0-33-11-5। इसके बाद मासा काजा 24-0-44-0-0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट। इसके बाद चलो भाई हो गया प्लेइंग इलेवन तो हो गई हम लोग की, अब आते हैं भाई अपनी टीम पे। ये हेड टू हेड टीम है भाई, अगर आपको आपको भाई ग्रैंड लीग की टीम चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाना भाई। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको मैच से पहले ग्रैंड लीग की टीम मिल जाएगी। कुशल मैंडिस विकेट कीपर में, समरा विक्रमा दो आप ले सकते हो। इसके बाद बल्लेबाजी में देखें तो आर बर्ल और फर्नाल्डो। इसके बाद सिकंदर रजा ऑलराउंडर में आएंगे, हसरंगा बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर। इसके बाद वेला लागे को आप ले सकते हो। इसके बाद गेंदबाजी में आते हैं तो मधुशंका बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाज, इनको चॉइस करना पड़ेगा। और नगरावे बहुत ही भाई बैटिंग करके भी दे देता है ये भाई बंदा, बहुत ही ज़बरदस्त, इसको लेना पड़ेगा। और तिछाना को लेना पड़ेगा और चमीरा को। भाई ये मेरी हेड टू हेड की टीम है, अगर आपको भी ग्रैंड लीग की टीम चाहिए भाई मेरे टेलीग्राम पे फटाफट से जुड़ जाना, आपको दे देंगे भाई। थैंक यू।